तो जयपुर से कोलकाता, आप कोलकाता से इम्फाल जा रहे हैं। इम्फाल जाने के लिए वही प्रोसेस है, मतलब अभी अपन को चेकिंग करानी पड़ेगी। इधर से लेंगे एंट्री, वही प्रोसेस है, वापस से अपनी आइडेंटिटी दिखाओ, टिकट ले लिए इधर एयरपोर्ट पे। तो यहाँ से आप बोर्डिंग पास करा सकते हो, ऑनलाइन भी आप निकाल सकते हो। भी बोर्डिंग पास निकाल सकते हो और अपन को जाना है 103 नंबर गेट पे। तो सिक्योरिटी चेक कराते हैं, इधर से होगी सिक्योरिटी चेक। हम सिक्योरिटी चेक से बाहर निकल चुके हैं, तो काफी मुश्किलों से सिक्योरिटी चेक होती है कोलकाता में। तो मतलब सारा बैग चेकिंग रहा है, जयपुर में इतनी ज्यादा नहीं। इधर से पूरा एयरपोर्ट दिखता है, मतलब इधर फ्लाइटें लगी हुई है ना, तो सारी की सारी दिखती है, इधर देख सकते हो। मैं जा रहा हूँ पानी भरने के लिए बोतल में, इसमें से इधर देख सकते हो, इसमें से पानी आता है, इसको प्रेस करो नीचे। बोर्डिंग पास भी दिखाते हैं और बस में बैठते हैं, वो हरी बस बस में बैठते हैं। इम्फाल, और यहाँ का इम्फाल का माहौल कुछ बिगड़ा हुआ सा लग रहा है, मतलब माहौल ऐसा है कि बारिश आने का संभावना हो सकती है। इधर देख सकते हो, यह है इम्फाल का एयरपोर्ट।
गाइस इधर से सामान प्राप्त कर लेते हैं अपना, इधर से अपना सामान प्राप्त करते हैं। आप मणिपुर में एंट्री करोगे ना तो आपको पास बनाना पड़ेगा मणिपुर का विजिट करने के लिए, ऐसे आप विजिट नहीं कर सकते, आपको पकड़ लिया जाएगा, मतलब जैसे जेल में जा दिया जाता है बोले तो। यहाँ पे पास बनाने के लिए 100 रुपये चार्ज करते हैं, मतलब 100 रुपये लगेंगे और एक महीने का पास आपको जनरेट करके दिया जाएगा। तो इस प्रकार का अब मेरा पास बना है, एक महीने का समथिंग है। बाहर निकलते हैं, आपको मिल गई टैक्सी।